नमस्कार, गुड इवनिंग। रविवार का दिन है, आप इंतजार कर रहे होंगे कि 6:30 बजे मैच की शुरुआत हो, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। पोर्टो स्पेन से खबर अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि पहला मैच तो भूल गया था, आज वहीं पर दूसरा वनडे मैच खेला जाना है, लेकिन फिलहाल वहां बरसात हो रही है। ट्रिनिडाड एंड टोबेगो में, पोर्टो स्पेन शहर में, क्वींस पार्क ओवल में अभी भी कवर्स जो है मैदान पर है, बरसात हो रही है। हालांकि तेज बरसात नहीं है, लेकिन पिछले 1.5-2 घंटे से बूंदाबांदी हो रही है। और आप जानते हैं कि इस मैदान में ड्रेनेज फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, बरसात रुकेगी, उसके बाद विकेट और मैदान सूखेगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि मैच कब शुरू होगा। लेकिन फिलहाल जो इम्कानात हैं वो यही है कि इंतजार करना पड़ेगा। भारत को काफी निराशा होगी क्योंकि पहला वनडे मैच भारत मजबूत स्थिति में था। ये भारतीय वक्त अनुसार है 6 बजे बरसात, 7 बजे बरसात, उसके बाद 9 बजे के करीब शायद थोड़ा सा सूरज देवता आएंगे, लेकिन फिर बरसात है। यानी कि अगर मैच जी अपने भारतीय वक्त अनुसार है, यानी कि मैच अगर शुरू हुआ भी तो लगता नहीं है कि 50-50 ओवर का खेल हो सकता है। हालांकि वेस्टइंडीज में क्या होता है कि एकदम मौसम बदलता है, तेज हवाएं आती हैं, लेकिन ये मैदान दिक्कत करने वाला है। अजहर भाई मेरे साथ स्टूडियो में है और अजहर भाई और मैं परसों भी इंतजार करते रहे कि अब मैच शुरू होगा, लेकिन अजहर भाई ये बहुत बड़ी निराशा है क्योंकि पहला मैच धुल गया और लग ये रहा है कि ये मैच भी शायद उसी तरफ ना चला जाए। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अगर जैसा आपने जो रिपोर्ट बताया हमारे टाइम के अनुसार जो बारिश होगी तो मेरे ख्याल में कर्टेल मैच होगा, अगर शायद पता नहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा मैच। बट जैसा कि वेस्ट इंडीज में तो बारिश तो काफ़ी होती है, इस टाइम बारिश का दिन है तो मुझे पता नहीं कोई पूरे मैचेस होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसे ही होते जाएगा। बट लेकिन जहाँ तक के टीम का सवाल है, मैं चाहूँगा कि नए नए लड़के खेलें क्योंकि ऐसी बारिश में उनको भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसे मैचों में कैसे खेलने का। ठीक है, आप पूरा गेम खेलते हैं वो अलग बात है, बट लेकिन जो ऐसे मैच खेलेंगे तो क्या प्रेशर होता है, कैसे प्रेशर को लेना चाहिए, जब प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मैच मुझे ऐसा लगता है कर्टेल्ड मैच होगा। तो ये जो कल की प्रैक्टिस के विजुअल्स आप अजहर भाई देख रहे हैं, आमतौर पर कोच या बैटिंग कोच जो है वो बल्लेबाजों को अभ्यास कराते थे, ये विराट कोहली करा रहे हैं थ्रो डाउन्स, और बल्लेबाजी कौन कर रहा है, दिनेश कार्तिक, जिन्हें अभी तक कोई मैच नहीं मिला है खेलने के लिए, ना तो इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में खेले और ना ही अभी फिलहाल उन्हें यहां पर मौका मिला है। और प्रैक्टिस भी आप देखें इंडोर हुई है, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस पिचेस जो है वो कल गीली थी, कल भी बरसात होती रही, और ये दिक्कत है इस मैदान में ये दिक्कत है कि ड्रेनेज फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है। तो फिलहाल तो हम इंतजार कर रहे हैं कि बरसात जो है वो रुके और मैच शुरू हो। बरसा आसमान, बरसा बल्ला, फिर मचाएगी टीम इंडिया हल्ला। पहले वनडे में शिखर और रहाणे की जोड़ी ने 132 रन की साझेदारी की। वैसे भी साझेदारियों के मामले में ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए कई कई बार राहत लेकर आती रही। इनकी पिछली 5 साझेदारियों में 3 तो शतक के पार जाकर टूटी है। अनिल कुंबले जिन हालातों में गए हैं, भारतीय ड्रेसिंग रूम पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसका जवाब इसी सीरीज में ढूंढा जाना है। अनिल वाज यस डबलिंग अप एंड You know, there were a lot of positive results under him. We all know that the team enjoyed a lot of success. The word is definitely there is a bit of lacuna. But the experience that this team possesses, because when you have Mahindra Singh Dhoni and Yuvraj Singh and Virat Kohli, who played close to 700 international games, actually they are doing a lot of work behind the scenes wherein they got... लेकिन खेल तो शुरू हो, दिक्कत ये है कि खेल कब शुरू होगा? 6 बजे आमतौर पर आप जानते हैं कि टॉस होना होता है। 6 बजे टॉस का मतलब है अभी तो वहां पर क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है, पिच जो है कवर्ड है, टॉस भी अभी फिलहाल नहीं होगा। और अजहर भाई, भारत के लिए सीरीज के मायने बड़े थे, अब जो मर्जी कहें, लेकिन आपको नतीजा तो चाहिए ही था, लेकिन उसके साथ साथ आपको अब आगे भी सोचना है क्योंकि हम जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी एक पिट स्टॉप था। फाइनल में हार गया भारत, फाइनल तक गया, अच्छी बात है, लेकिन कई खिलाड़ियों पर अब सवाल हैं, जिनमें से शायद धोनी पर भी है, शायद युवराज सिंह पर है, केदार जाधव पर है। अगर ये मैच नहीं होंगे
तो आप क्या करेंगे? आप युवा खिलाड़ियों को भी मौका नहीं दे पा रहे और जिन खिलाड़ियों पर सवाल है उनका भी इम्तिहान नहीं हो रहा। नहीं, बल देखिए, मैं समझता हूँ कि गलत टाइम चूज़ किया हम लोग वेस्टइंडीज जाने के लिए, जहाँ पे बारिश का ज़माना है, क्योंकि मैक्सिमम उनके बाद मई तक मैच होता है, उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे अब ऐसी कंट्री है, वहाँ पे बारिश तो होती है। तो बट लेकिन देखिए, अब जो मेरे ख्याल में पूरे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको जो मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि कितना अच्छा खेल रहे हैं, कितना अच्छा नहीं खेल रहे। चैंपियंस ट्रॉफी में तो शायद बहुत से प्लेयर्स को बहुत कम बैटिंग मिली एक्सेप्ट फॉर लास्ट मैच के लिए हुआ। बट लेकिन देखिए, मैं हर बार सुनता हूँ कि यंग प्लेयर्स को खेलना चाहिए, धोनी और युवराज भी उस दिन देखिए उस दिन खेल रहे थे, उतना खास कोई ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं खेल रहे थे, बट लेकिन उन्होंने आउट हो गया। तो बट अभी एक टीम को कॉल लेना पड़ेगा मेरे ख्याल में, जब नया कोच आएगा तो जब भी ऐसा लगता है मुझे जब भी कॉल लेंगे। नहीं, सही बात है अजहर भाई ने, दो बातें इस बातचीत से अजहर भाई ने, एक ये कि वाकई में क्योंकि वेस्टइंडीज की क्रिकेट कमजोर हो गई है, अब उसे तवज्जो को देता नहीं, ठीक है खेलने जाना है खेलने आ जाएंगे। किसी जमाने में जब वेस्टइंडीज विश्व क्रिकेट को रूल करता था, राज करता था, तो उनका सीजन फरवरी से लेकर ज्यादा से ज्यादा मई तक होता था, वो उनका क्रिकेट सीजन था। लेकिन अब देखिए टीमें वहां जाती हैं जून में, जुलाई में, अगस्त में, जो बरसातों का सीजन है। लेकिन दूसरी बात जो अजहर भाई ने उठाई वो ये कि युवराज सिंह धोनी का क्या, वाकई में अगर किसी वनडे मैच में भारत 180 पर दो आउट है तो युवराज भी रन बनाएंगे, धोनी भी रन बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है, जिस दिन 40 पर तीन आउट होगा, क्या इन दोनों में अभी भी मादा है कि भारत को 350 तक लेकर जा पाए? Fit and capable of delivering the news. Saw that how the experience come to the fore. You saw in the match against Pakistan, wherein we in the last 8 overs we scored 108 runs, and that wouldn't have been possible without the contribution of Yuvraj Singh. So even when we were 4 down at Cuttack, it was basically the experience of Yuvraj Singh and MS Dhoni who got 2 big 100s and put us on a score of 360. So they have done these things in the last 4 or 5 months. बड़ा सवाल बनकर रह गए हैं युवराज, क्या लौटेगा युवराज का राज? सवाल तो कई हैं, सवालों के जवाब तो तब मिलेंगे जब क्रिकेट का खेल शुरू होगा, और फिलहाल वहां पर बरसात हो रही है, कवर्ड है मैदान, और पोर्ट ऑफ स्पेन आप जानते हैं कि क्वींस पार्क ओवल ये जो मैदान है इसकी ड्रेनेज फैसिलिटी शायद दुनिया में सबसे खराब स्टेडियम्स में से एक है। बरसात रुकने के बाद बड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, पता नहीं क्या होगा अजहर भाई, लेकिन इधर क्या होगा? क्योंकि युवराज सिंह के वो पाकिस्तान के मैच वाली पारी, पहला मैच लीग मैच, अगर युवराज ने वो पारी ना खेली होती तो शायद भारत इतने रन ना बनाता। लेकिन उसके बाद क्या वो कॉन्फिडेंस गिरा है? नहीं, वो तो सही बात है, देखिए मैच आउट होने के चांस ज्यादा नहीं, ये बात तो सही है कि जो गब्बर सिंह का काम है वो गब्बर सिंह करेगा, जो ठाकुर का काम है वो ठाकुर करेगा, और जो जय और वीरू का काम है वही करेंगे। युवराज सिंह धोनी का जो नेचुरल खेल है अगर वो उससे हट गए हैं तो फिर पता नहीं इसे अच्छी खबर कहें बुरी खबर कहें। बरसात तो हो रही है लेकिन कम हो गई है, मतलब बूंदाबांदी है, कम हो गई है, अब वो रुकेगी, उसके बाद जाहिर तौर पर दोनों अंपायर्स जो हैं वो जाकर देखेंगे कितनी देर लगेगी मैदान को सुखाने में, आउटफील्ड कितना गीला है, और उसके बाद आप तय करेंगे कि कब मैच शुरू हो सकता है, उसके बाद फिर आप टॉस का तय करेंगे। लेकिन आगे चलकर भी बरसात होने की आशंका है, थोड़ी देर उसके बाद मौसम साफ होगा। निखिल भी आ गए मेरे साथ। निखिल, ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया कि आप स्टूडियो में बैठे हैं और वहां पर खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और सब ये कह रहे हैं कि यार बरसात कब रुकेगी। देखिए, जो युवा खिलाड़ी गए ना विक्रांत, उनके लिए बहुत खराब है, भारतीय क्रिकेट के लिए। अब यहां से 2019 के विश्व कप में कितने आपके एक दिवसीय मैचेस हैं, जो युवा खिलाड़ी गए उनको मौका कब मिलेगा? हर एक मैच जो रद्द होता है ना, वो एक तरीके से भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ आप कह सकते हैं कि दुखदायक होगा और नुकसानदायक भी होगा। लेकिन मौका तो मिले, पिछले मैच में तो ऋषभ पंत को कहां खिलाया आपने? दिक्कत वही है ना कि अब जैसे जैसे आपके समय बीतता जा रहा है, इन युवा खिलाड़ियों को आपको खिलाना जरूर पड़ेगा। हमारे पूर्व कप्तान हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप किसी भी नए खिलाड़ी को विश्व कप में चांस लेके कहे कि वो डेब्यू उसको कराएंगे, वो मैं मानता हूं एक तो टीम के ऊपर और उस खिलाड़ी के ऊपर भी बहुत कुछ है। अगर कोई बहुत एक अनोखा कुछ खिलाड़ी निकल जाता है वो अलग बात है, लेकिन हर टीम विश्व में एक ट्राइड एंड टेस्ट खिलाड़ी को ही लेके जाती है विश्व कप में। बिल्कुल, और ये 2011 से पहले हुआ था, मुझे याद है कि जब एक सीरीज में सहवाग ने आराम कर लिया, एक में सचिन ने आराम कर लिया, एक में गौतम ने आराम कर लिया, एक में युवराज ने आराम कर दिया, तो एक खिलाड़ी कॉमन था जिसे वो मौका मिलता रहा, वो थे विराट कोहली। उन्होंने एक साल इतने रन बनाए अजहर भाई कि वो 2011 वर्ल्ड कप खेले, स्टार थे और भारत वर्ल्ड कप जीता। ऐसे में आपको क्या लगता है भविष्य में कौन है ऐसे खिलाड़ी? नहीं, मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत बहुत अच्छा प्लेयर है,
जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तो आगे आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसी टीम के साथ अगर आप मौका नहीं देंगे तो फिर कौन सी टीम के साथ आप मौका देंगे, जहाँ पे एकदम साउथ अफ्रीका आ जाएगी या कोई अच्छी और अच्छी बॉलिंग अटैक की टीम आ गई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितना भी यंग प्लेयर्स को पहली बात तो युवराज और धोनी लोगों को तो मेरे ख्याल में रेस्ट देना चाहिए था, जो भी प्लेयर खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में नए प्लेयर्स ने जो टीम चुनी है, क्या आप उस टीम से सहमत है? क्योंकि आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं और अगर आप उस टीम में सीनियर खिलाड़ी भी लेकर जा रहे हैं और फिर दो तीन युवा खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो कप्तान जाहिर तौर पर जो खिलाड़ी सीनियर उसको बाहर नहीं बिठाएगा। नहीं, अब जब ऐसे सेलेक्टेड ऐसा मौका आने ही क्यों देना चाहिए? अगर आप कैप्टन को ऐसा मौका आ रहा है कि अगर कोई प्लेयर समझते हैं कि हमको ले आके खिला रहे नहीं, वो अलग बात है, बट लेकिन अब सेलेक्टर्स को ही बात करनी चाहिए थी युवराज या धोनी से और दो तीन और प्लेयर से कि हम आपको रेस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है आप नेक्स्ट मैच में करेंगे। तो नए जब प्लेयर जाएंगे तो जब भी जाके आगे बढ़े। इस टीम में विक्रांत भाई 3 विकेट कीपर है, मैं याद दिला दूं, 1996 में साउथ अफ्रीका 4 गए थे। कार्तिक को तो मौका ही नहीं मिला, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस किया मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले जो मैचेस है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। खिलाइए, आप जब आप खिलाना चाह रहे तो नए प्लेयर को खिलाइए, इन्फ्यूज करिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज की उतनी खास अटैक नहीं है, बट फिर भी अगर उस दिन देखें तो परसों उन्होंने काफी अपने कमर को बेंड करके विराट कोहली को एक खिलाड़ी ने पिछले 1.25 महीने में मौकों को भुनाया, वो है शिखर धवन। चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल वक्त पर उन्होंने रन बनाने शुरू किया और अच्छी बल्लेबाजी की, और उसके बाद पहले मैच में भी उन्होंने रन बनाए हैं। नहीं देखिए, शिखर धवन अच्छे प्लेयर है, देखिए उनको भी एक रेस्ट देना चाहिए था, उनको भी झटका लगना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ऐसा समय ऐसा हो जाता है कि हमारे से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है, तो प्लेयर की खिलाड़ी एक इंजर्ड भी हो जाता है तो आपके पास कौन से रोल के लिए कौन सा खिलाड़ी तैयार है, और उस समय आपको इस जैसी श्रृंखला दोबारा नहीं मिलेगी 2019 से विश्व कप से पहले, श्रीलंका है उसके बाद आपके दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके सामने आप ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना एक प्लान बी भी तैयार लेके चले, क्योंकि यू आर ओनली एन इंजरी अवे फ्रॉम गिविंग समथिंग। अगर 6 महीने पहले वर्ल्ड कप के आए किसी बड़े खिलाड़ी को तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप उस समय थोड़ी ना खिलाड़ी ढूंढेंगे, मनीष पांडे को कहें या ऋषभ पंत को कहें या फिर किसी गेंदबाज को कहें कि भाई तैयार हो जाओ वर्ल्ड कप खेलने जाना, वो होता नहीं है।